topic, what is the esterification? Esterification, if you know something about it, you can just send your answer in my comment box. Esterification, esterification. आपने कभी ना कभी तो बहुत सारे ऐसे फ्लेवर्ड आइसक्रीम्स खाए होंगे, बहुत सारे परफ्यूम्स यूज किए होंगे. डू यू नो व्हाट इज इन द फ्लेवरिंग एजेंट, वो क्या होता है? हम लोग बहुत सारे आइसक्रीम्स लेते हैं, वनीला, बटरस्कॉच, स्ट्रॉबेरी, बहुत सारे फ्लेवर, और परफ्यूम में भी हम बहुत सारे जो फ्लेवर्स हैं उनको हम पहले जज करते हैं, देन वी आर यूजिंग इट. सो व्हाई दे आर हैविंग अ फ्रेग्रेंस, दैट इज दी ड्यू टू द ईस्टर. तो ईस्टर क्या है? ईस्टर, व्हाट इज ईस्टर? स्वीट स्मेलिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड. ईस्टर क्या है? स्वीट स्मेलिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड. एंड जब भी हम किसी, जब हम मार्केट में जाते हैं एंड तो जो आइसक्रीम है, दे आर आस्किंग यू, या हम लोग अपनी चॉइस से आइसक्रीम लेते हैं कि वी नीड दिस बटर स्कॉच या वनीला या वट एवर स्ट्रॉबेरी, वो वाई दे आर गिविंग यू स्वीट स्मेल? बिकॉज दे आर हैविंग ईस्टर. ईस्टर का जो हम ईस्टर बनाते हैं कैसे हैं? इथेनॉल रिएक्ट करता है इथेनोइक एसिड के साथ. इथेनोइक एसिड, ये रिएक्शन जो है वो इतना सिंपल नहीं हो जाता. ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. और कैसा होगा? कंसंट्रेटेड, बिल्कुल थिक थिक कंसंट्रेटेड जो है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा. और यहाँ पे हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? दैट इज द ईस्टर. तो अब हम इसे, ये मैंने बॉन्ड इक्वेशन लिख दी, जो कि हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 में बॉन्ड इक्वेशंस लिखते हैं. तो अब हम इसे सिंबलाइज करेंगे. इथेनॉल, हाउ मेनी सी विल बी देयर? 2. इथेनॉल दैट इज CH3 CH2 एंड OH, बिकॉज इट एंड्स अप विद OL, मींस इट इज हैविंग द फंक्शनल ग्रुप OH प्लस इथेनोइक एसिड, मींस 2 कार्बन इज देयर. Here the functional group is oic, means C self-linking कर दिया, and one is OOH group is there, and CH, H, H. ये हमारी ethanoic acid है, ये हमारा ethanol है. आप चाहो तो इसे भी expanded form में लिख सकते हैं, हम इसे भी expanded form में लिख सकते हैं, that is H, H, H. H एंड H, ये हमारा इथेनॉल हो गया, ये हमारा इथेनोइक एसिड हो गया. ये जो रिएक्शन है वो किसके प्रेजेंस में होगा? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा. एंड हाउ, व्हाट वी आर गेटिंग? ईस्टर. ईस्टर के लिए अब मैं क्या करूंगी, इस एसिड को थोड़ा सा, आप नहीं भी करें तो कोई इशू नहीं है, बट एसिड को थोड़ा सा रिवर्स लिख देते हैं. अगर मैं इसको रिवर्स लिखती तो कैसे लिखूंगी? OH इस तरफ लिखो, देन CO लिखो, then C, H, H and H. मैंने इसे means reverse करके लिख दिया, इस तरह से लिख दी, और ये तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा. क्या आ जाएगा? CH, H, H. वो आप अगर वैसे भी रहने देते तो not a big deal, वैसे भी रहने देते. प्लस अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे. अगर हमने वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है, so how we will remove the water molecule? हम यहाँ से एक water molecule को replace कर देंगे. According to 10th class, we are not going to write or summarize the mechanism. हमें mechanism याद करने की जरूरत ही नहीं है. एक water molecule H2O हम यहाँ से remove करेंगे, और जो हमारा product है वो क्या मिलेगा? अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे. अगर आप इसको इस तरह से घुमा के नहीं लिखना चाहते थे तो भी कोई इशू नहीं था. इसे मैंने इसलिए इस तरह लिखा ताकि हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो आपको इजीली विजिबल हो जाए. अब आप इसको ऐसे ही लिखिए, सी एच एच एंड एच, जो मैंने यहाँ से लिया है, देन सी एच एच जो आगे लिया है, एंड देन वी आर राइटिंग ओ, उसके बाद स्लीपिंग लाइन, देन ओ सी ओ आ गया, एंड सी एच H,
एच ये जो है ये क्या बन गया है, ईस्टर। इसे हम क्या कहते हैं, ईस्टर। अब ये तो मैंने इसे ओपन करके लिखा है, तो हम इसे कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, मीन्स ओपन करके लिखा है। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, सी कितने एच लगे हैं साथ में, थ्री एच थ्री सी दूसरा से कितने एच लगे हैं, टू ओ देन सी ओ देन 1 2 3 सी एच थ्री। ये वो स्वीट स्मेलिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके कारण जो हमारे परफ्यूम्स या जितना भी हमें फ्लेवरिंग एजेंट्स मिलते हैं वो हमें फ्रेग्रेंस देते हैं।